गुजरात से ट्रक चोरी करने में 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, हमीरपुर गुजरात से चोरी कर यहाँ लाए ट्रक की बरामदगी के लिए क्राइम ब्रांच व स्थानीय पुलिस ने रविवार को एक घर में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी किए ट्रक का इंजन, टायर, रिम व अन्य सामान बरामद किया गया है। ट्रक की बॉडी बरामद करने के लिए पुलिस 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, पुलिस पूरे मामले का खुलासा सोमवार को करेगी। जिले के स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम सुमेरपुर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कस्बे के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर एक घर से 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने सुमेरपुर कस्बे के बाकी रोड निवासी एक मकान से गुजरात से चोरी कर लाए गए ट्रक का इंजन, टायर व अन्य सामान बरामद किया है। आपको बता दें, सुमेरपुर थाने के इंस्पेक्टर गिरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इस घर में 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें अभी पूछताछ की जा रही है। ट्रक की बॉडी को छोड़कर सभी पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हमीरपुर से इरशाद खान की विशेष रिपोर्ट। और 3 अभियुक्त जो हैं, ये लोगों ने बताया कि ट्रक पकड़ा गया है, जो पार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ माल भी लोड था उस ट्रक में या केवल खाली डंपर? ये अभी जांच का विषय है, इसमें जांच की जाएगी। और जो माल रहा होगा, यदि उसकी भी अगर इसमें उन्होंने कहीं बेचा है तो उसके बारे में। किस तरह के लोग हैं, क्या ऐसा कभी पेशेवर हैं या अभी उनके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। और ये चूँकि एक सक्रिय गैंग है, उनका बाहर से लाया जाना बताया जाता है, राजस्थान से, तो संभवतः इसमें अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग